हर हर महादेव। देखिए मनीष पांडे जी का एक प्रश्न है, वे कह रहे हैं क्या भारत में सती प्रथा थी? क्या शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि सती होना अनिवार्य है? देखिए सती क्या है और कौन हो सकता है, कैसे हुआ जाता है और क्या ये हमारे यहाँ अनिवार्य रूप से थी इत्यादि, इसके ऊपर बहुत सी ग्रंथ पद्धतियाँ निबंध ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा हुआ है। पहली बात तो सती उसको कहते हैं जो पतिव्रता है, जो पतिपरायणा है और बाद में भी पति के साथ जो अनुगमन करती है, सहगमन करती है, साथ जो है वो चितारोहण करती है, तो उसको भी सती कहा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है जालंधर के लिए कि परम सती असुराधिप नारी तेहिवल ताहिन जितेउ पुरारी। तो ऐसा नहीं है कि कोई महिला, कोई पतिव्रता अपने पति के दिवंगत होने के बाद चितारोहण करती है तभी उसे सती कहा जाता है, ऐसी ना, ऐसा नहीं है। पतिव्रता के लिए भी सती शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया हुआ है कि वो जो जलंधर था उसकी पत्नी वृंदा इतनी पतिपरायणा थी कि भगवान शंकर भी उसका वध नहीं कर पाए। तेहिबल ताहिन जितेउ पुरारी, तो परम सती असुराधिप नारी, क्योंकि उसकी पत्नी परम सती थी, साध्वी थी, पतिव्रता थी। तो ये पतिव्रता का लक्षण ही सती को बतलाता है। जो किसी सत्य पर चलने वाली है, पातिव्रत का जो है पालन करने वाली है, उन्हीं को सती कहते हैं। और हमारे यहां शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये जो सती होना अनिवार्य था, जो लोग करते हैं कहते हैं होता था जिस समाज में, वो गलत है, वो अशास्त्रीय था, माने ये ऐच्छिक है। हाँ, यदि कोई पतिव्रता है, कोई धर्म परायणा है, वो इच्छा रखती है तो वो पति के साथ अनुब्रजमन करें, और जिनकी इच्छा नहीं है वो न करें। कई ऐसी श्रेष्ठा माताएं हैं जिनका चरित्र शास्त्रों में, इतिहासों में खूब बड़े महिमा मंडन करते हुए गाया गया है। और तो और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, ये जो तीनों ही वैधव्य को स्वीकार हुई और उन्होंने वैधव्य स्वीकार भी किया, वो जो है अनुब्रजमन नहीं की, उन्होंने चितारोहण नहीं किया। पांडवों की माताएं ये जो कुंती देवी, उन्होंने भी राजर्षि पांडु के साथ में चितारोहण नहीं किया, किसी ने उनको ऐसा नहीं कहा कि आपको करना पड़ेगा। मंदोदरी बाली की पत्नी तारा, ये कोई भी सती नहीं हुई। और भी बहुत सी विधवा माताओं की कथा है जिन्होंने अपने जीवन में ही खूब पति सेवा की और किसी जन्म के कोई ऐसे कर्म के प्रभाव से उनको वैधव्य हुआ और उन्होंने उसको स्वीकार किया और अपने आयु पर्यंत सर चरित्र पर चलती हुई और उन्होंने जीवन यापन किया, और वो हमारे यहां जो है आदर्श मानी गई हैं। तो ऐसा हमारे यहां नहीं है शास्त्रों में कहीं भी कि किसी को अनिवार्य रूप से जबरदस्ती या बलात् रूप में किसी को
जो पति के साथ में जला दिया जाता हो, यह ऐच्छिक था। और भी बताया गया है यदि कोई कुलटा है, पति में विश्वास नहीं रखती है, तो उसको ये सती होने का अधिकार नहीं है। यदि कोई माता का बालक छोटा है, यदि वो प्रसूता है या वो रजो धर्म से युक्त है या वो पतित हो गई है, तब भी उसे अधिकार नहीं है। और भी यदि पति भी यदि कोई प्रायश्चित के रूप में देहत्याग कर रहा है या वो किसी दंड के रूप में देहत्याग कर रहा है या कोई जो है पतित हो गया है, तो उसके साथ में भी जो है चितारोहण करने का, अनुब्रजवन करने का शास्त्र अधिकार नहीं करते हैं, मना करते, निषेध है। तो इस तरीके से इसकी विधि और फल और पद्धति ये सब शास्त्रों में बतलाई गई हैं, शास्त्रों में ये सब कहा गया है, परंतु इस रूप में नहीं है कि ये अनिवार्य है या इनको करना ही चाहिए। ये सब व्यवस्था आजकल की व्यवस्था अलग है और ये सब सरकार के द्वारा जिस रूप में चल रहा है वो सब विधि आपको लोगों को पता ही है, वो तो ठीक है। आजकल महिलाएं तो इस बात का स्वयं ही विरोध करती हैं, स्वयं ही इस रूप में जो है व्यक्त करती हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में किसी के लिए भी वरवरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों पर कृपा करते हुए उस व्यक्ति का तात्कालिक सुख न देख करके, नैसर्गिक सुख को देख करके और उसके कल्याणार्थ ही प्रत्येक शब्द को कहा गया है। कोई भी एक भी बात, एक भी विधि, एक भी नियम किसी भी व्यक्ति, मनुष्य, जीव मात्र के लिए भी ऐसा नहीं है जो कि उसके विरोध में हो। ऐहिक आमुष्मिक, चाहे लौकिक या पारलौकिक, कोई भी हानि न हो, है ना, उसका सर्वथा अभ्युत्थान, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही अभ्युत्थानों को, दोनों ही निश्रेयस और अभ्युत्थानों को देखते हुए, विचार करते हुए, जीव पर कृपा करते हुए ही शास्त्र श्रुति ऐसा प्रतिपादन करती हैं, करते हैं, और इसमें कोई भी दोष नहीं है। अब लोगों को दिखे, लोगों को लगे, तो उनकी बुद्धि की बात है, वो तो उनके बुद्धि की विकलता है कि वे उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। शास्त्र पिता के समान है और वो अपने पिता का आदेश, निर्देश जो कि उनके हित में ही है और वो उसको गलत रूप में देख रहे हैं, तो ये हम लोगों की बुद्धि की बात है, अन्यथा शास्त्रों में ऐसा नहीं है। ये लोग, जो लोग इसको ऐसा समझते हैं या जिन समाज में ऐसा चला या जहां भी इतिहास में ऐसा लिखा है कि ऐसा हुआ था, इस कारण ये सब ये जो है अभी निषेध कर दिया गया, तो ठीक है, परंतु ऐसा जो लोग करते थे वो गलत करते थे, शास्त्र में ऐसा नहीं है। आज भी शास्त्र है, विद्यमान है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए था। ठीक है जी, हर हर महादेव।